Oh, welcome to Lingo School of Languages. This is your teacher, Dr. English. आप यकीन है सोच रहे होंगे डॉक्टर इंग्लिश आज किचन में क्या कर रहा है. Well, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश डिशेस किस तरह बनती हैं. Well, I'm just kidding. Well, today I'll teach you about idioms that are related to the kitchen. मैं आपको कुछ ऐसे मुहावरे सिखाऊंगा जो कि किचन से रिलेटेड है. Okay, so are you ready for this? दरअसल आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ इंग्लिश मुहावरों की. जिस तरह आपको मालूम है कि उर्दू के भी मुहावरे होते हैं और हम इस्तेमाल करते हैं. उर्दू के कुछ मशहूर मुहावरों में से लाइक नाच ना आए आंगन टेढ़ा, राइट. हमें मालूम है कि इस मुहावरे को अपनी उर्दू कॉन्वर्सेशन में हमें कहां पर इस्तेमाल करना है. इसी तरह इंग्लिश के भी बहुत सारे मुहावरे होते हैं. आज मैं जो आपको मुहावरे सिखाऊंगा, जो idioms सिखाऊंगा, वो इंग्लिश idioms हैं जो कि किचन से रिलेटेड हैं, राइट. लेकिन इट डज नॉट मीन दैट यू वुड यूज इट ओनली इन किचन. लेकिन ये किचन से रिलेटेड है. जो एक्सप्रेशन मैं आपको सिखाने वाला हूं वो ये है, इफ यू कैंट स्टैंड द हीट गेट आउट ऑफ द किचन. इफ यू कैंट स्टैंड द हीट गेट आउट ऑफ द किचन. कि अगर तुम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किचन से बाहर चले जाओ. इसके लफ्जी मतलब ये है, ऑब्वियस बात है, अगर कोई शख्स किचन में काम करना चाहे और अगर वो ये बोले कि मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो सकती, तो बगैर गर्मी के किचन में काम किस तरह हो सकता है. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकते तो दरअसल आप कुछ सीख भी नहीं सकते. ठीक है, अगर आप में तकलीफ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है तो दरअसल आप वो काम कर भी नहीं सकते, आप वो चीज हासिल भी नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं. सो इफ यू कैन स्टैंड द हीट गेट आउट ऑफ द किचन.